खा रही। देखो अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। चीज़ ही तो नहीं, शुजा बहुत स्वीट हुआ। तो आई रिमेम्बर कि मैंने अपनी छत पे, मेरा बेस्ट फ्रेंड आया हुआ था उस वक्त मेरे घर, और मैंने एक वाइपर को पकड़ा था एज अ माइक स्टैंड, और मैंने उनको वो वीडियो भेजी थी। एनीवेज लाइक दैट बच्चा योर सेट खाकान बड़ा प्रोजेक्ट को लेके चल रहा था फहीम भाई के साथ में। मुझे गुस्सा आता था, मैं कहती थी ये क्यों जा रहा है, मतलब मैं भी यहाँ पे वही पार्ट प्ले कर रही हूँ जो ये कर रहा है। ये भी एक्ट करने आया, मैं भी एक्ट करने आया, ये क्यों जाता है फहीम भाई के पास, मैं जाऊंगी अब। शी इज वेरी वनीला आल्सो, सो लाइक यस यू आर राइट, शी इज वनीला, दिस इज सो राइट। आई एम एनी, हाउ आर यू यार, तुम यहाँ भी ड्रग्स कर रहे हो? मुझे पता नहीं था कि कैसे रिएक्ट करना है जब आप यू नो हाई होते हुए। मुझे नहीं पता था शुजा, दे डोंट ट्रस्ट यू, आई स्वेयर। या तो आप बस ऐसे स्माइल करते हैं या फिर आप ऐसे स्माइल करते हैं। Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Pusha Magazine. आज हमारे साथ है कॉलेज गेट की कास्ट, एक्चुअली सम मेंबर्स फ्रॉम द कास्ट। We are excited to talk to them about their journey and we'll have some fun with them. तो मिलते हैं कौन कौन है हमारे साथ आज कास्ट में से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। So we have Mamia, Annie, we have, मेरा टेस्ट हो रहा है ये ना, we have Zarar Khan as Wahaj, we have Shuja Asad as Bilal, and we have Hina Chaudhary as Sam. Yeah, मैं पास हो गई। You guys are supposed to clap for me. मतलब इट्स नॉट इजी, बड़ी लंबी आप लोगों की बड़ी कास्ट है और उसमें भी कैरेक्टर्स आते रहते हैं। अच्छा, आप स्टूडेंट से फेमिलियर हो गए तो ये टीचर भी है, अच्छा ये फीमेल टीचर है, मेल टीचर है, प्रिंसिपल है, वो भी इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं कि आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। आपने हम सबको ना घनचक्कर बना के रखा। बट हाउ आर यू गाइस, हाउ आर यू एंजॉयिंग द रिस्पॉन्स? Great, feeling good about you know everything that's happening and all the support and all the comments and all the edits and all the love that we're getting online. A lot of love. Yeah. हमें आज ये background there's some more love coming. कुछ ना कुछ आप लोगों को sound सुनाई देते रहेंगे क्योंकि हम कहीं बाहर इसको shoot करें studio में. And Hina's daughter is also with us. Yep. जो अभी खामोश है, हमने कार्टून से उनको डिस्ट्रैक्ट किया है, बट शायद उनका भी कुछ म्यूजिक आपको सुनाई दिया जाए तो मैं पहले से ही आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि क्या होने वाला है। सो बड़ा कैंडिड सा आज माहौल है हमारा। ठीक है जी, तो स्क्रिप्ट किसके पास कैसे आया, क्यों हाँ बोली, क्या था इस पर्टिकुलर कैरेक्टर में जो आप सब ने, ईच वन ऑफ यू डिड दैट यू गाइज चोज टू डू इट? मुझे जब मेरे पास इस ड्रामा के लिए आया था कि हम ये प्ले बना रहे हैं और ये कॉलेज लाइफ पे है, तो मैं खुद, क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ें देखना चाहती हूँ, तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि यार ये कुछ डिफरेंट होगा, और मैं, मुझे था कि नहीं मैंने ये करना है। और फिर साथ में फहीम भाई का नाम था कि फहीम बर्नी उसको कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो मैं, दो चीज़ें थी जो मेरे लिए, मतलब एक मेरे लिए एक्साइटमेंट का लेवल जो था ना वो ऊपर चला गया था। तो जब मैं फहीम भाई से मिलने गई हूँ तो उन्होंने कहा कि अच्छी ये कैरेक्टर है और आपने बस, और उन्होंने पहले से ही डिसाइड करके रखा हुआ था जब हम जा रहे थे ऑडिशंस के लिए, उन्होंने मुझे पहली कैरेक्टर जो दिया था वो सैम का ही दिया था। पता नहीं उन्होंने अब स्टडी किया हुआ था या क्या चीज़ थी, उन्होंने जब मुझे बुलाया था उन्होंने कहा यार मुझे पता नहीं क्यों फील आती है कि बेटा तुम ना ये कैरेक्टर बड़ा अच्छा करोगी, तो ये मुझे ना इसके डायलॉग्स ज़रा करके दिखाओ कि तुम किस तरह से कर सकती हो। और जब वो मैंने किया है तो ही वाज लाइक के मतलब मैं हाँ यही है और मैं बताऊंगा, लेकिन उस टाइम उन्होंने मुझे बताया नहीं, मगर एक फील आ रही थी और मुझे लग रहा था कि ये हो जाएगा, मिल जाएगा ये काम मुझे। और आई एम ग्लैड कि ये हो गया क्योंकि बहुत ही अच्छा निकल के आया है, जो भी रिजल्ट आया है बहुत अच्छा है। सो व्हाट अबाउट यू? सिमिलर, बट जब उन्होंने मुझे बुलाया तो आई थिंक मुझे तकरीबन आधा घंटा लगा था वो स्क्रिप्ट याद करने में, बिकॉज मैं बहुत नर्वस था। ओके। और मुझे इतना नहीं पता था कि क्या होगा, हम लोग इसको मरी में शूट करेंगे, मुझे नहीं पता था। आई थॉट हम लोग कराची में ही शूट करेंगे, और मैंने ऑडिशन, जब आधा घंटा लगा मुझे याद करने में, उसके बाद बस मैंने पहला डायलॉग ही बोला तो फहीम सर वाज लाइक ये डन है, ठीक है, ओके सर ठीक है। बट देन इट हिट मी जब हम लोग मरी में, जब हम सब मिले, मैंने कहा ओ अच्छा ये माहौल है, ओ अच्छा हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं कि ये कॉलेज है, देन इट हिट मी कि अच्छा यार ये तो बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है। सो या आपकी कहानी? मैं, सो आई मेट फहीम भाई टू ऑडिशन फॉर अनदर प्रोजेक्ट,
एंड दैट समहाउ फेल थ्रू एंड इट वाजंट हैपनिंग. बट उस ऑडिशन के बीच में उन्होंने मुझे कहा था कि आई सी समथिंग इन यू, और मेरे पास एक कैरेक्टर है, इट्स अ टीनेज ड्रामा कॉलेज के बारे में है, will you be interested in something like that? मैंने कहा हाँ definitely, because I grew up watching High School Musical and all these Disney shows, and Zac Efron जो High School Musical में था, मेरा बचपन हाँ मेरा full वो idol था. Who's not? Who's not? मैं बस Zac Efron बनना चाहता था, because when he went into Hollywood, like his fitness and how you know he changes his body for every role, and he is a good actor as well. So मेरे लिए it was like a point, you know, कि I could live out like that dream. और मेरा उस वक्त इसका ऑडिशन नहीं हुआ था, उन्होंने मुझे बस कहा था कि मैं तुम्हें गाना भेजूंगा, तुमने मुझे बस प्रटेंड करके एक वीडियो भेजनी है कि तुम एक कॉन्सर्ट पे हो. तो आई रिमेम्बर कि मैंने अपनी छत पे, मेरा बेस्ट फ्रेंड आया हुआ था उस वक्त मेरे घर, और मैंने एक वाइपर को पकड़ा था एज अ माइक स्टैंड, और मैंने उनको वो वीडियो भेजी थी, एंड ही वाज लाइक दैट बच्चा यू आर सेट. कुछ बाल वालों को भी किया कुछ मैंने लिटरली शॉर्ट्स और एक शर्ट, क्योंकि उन्होंने कहा था मुझे अभी भेज दो. मैं कहा फहीम भाई मैं बहुत बुरी हालत में हूँ, मैं लिटरली अभी कुछ सफाई कर रहा हूँ, और बस मैं छत पे खड़ा हुआ हूँ एंड वी आर मेकिंग दिस वीडियो. और वो यही दिल आजाद है जो एपिसोड 7 में गाना आता है शो, वो था एंड दैट्स व्हाट स्टार्टेड. या आपकी क्या जर्नी है? मेरी जर्नी कॉलेज गेट की, सेट पे आने से डेट दो दिन पहले शुरू हुई. सो आई गेट अ कॉल फ्रॉम खाकान, कॉल्स मी, ही इज लाइक देयर इज अ डायरेक्टर, ही इज गोना गेट इन टच विद यू एंड यू नीड टू सेंड हिम योर ऑडिशन एएसएपी. एंड आई वाज कमिंग फ्रॉम चांदबाग जहाँ पे सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, और उसी दिन मेरे फ़ोन का पीटीए का मसला हुआ था ना, आई हैड पेड फॉर द डिटेल्स, लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन, आई कांट रीच आउट टू ऑल माय फ्रेंड्स, व्हाट्स हैपनिंग. आई गेट होम एंड आई हैव दिस व्हाट्सएप इतना ज़्यादा कि वेयर आर यू. And I was like, huh, I want to audition for this. My friends are doing this, I want to do this. I sent my audition on the phone. There were two scenes, I sent both of them. And then I get a call and he's like, bachche, I think aapko na kal apne basta pack karna hai aur mari aana. No, but meanwhile, iska phone off hai. Me and Khakan are on the way to Mari to shoot this drama. So this is the day before. And Khakan isko call kar raha hai ki, yaar, tum kyun, why aren't you getting back to film, bhai? मैं तुम्हारे लिए सेट करा रहा हूँ. एंड लाइक ही इज कॉलिंग मी प्लीज जस्ट गेट बैक टू हिम. एंड इवेंचुअली आई गॉट होम एंड आई गॉट बैक टू हिम. आई सेंट हिम द ऑडिशन लाइक 30 मिनट्स, रेड इट, मेमोराइज्ड इट, सेंट इट, एंड ही इज लाइक पैक योर बैग्स, यू आर कमिंग टू मरी. एंड आई वाज लाइक दैट चेंज्ड एवरीथिंग. ओके, तो आप में से किसी ने अपने कैरेक्टर में कुछ चेंज किया है, या योर कैरेक्टर्स आर एज दे वर रिटन इन द स्क्रिप्ट? कुछ ऐड किया जब डायरेक्टर से बात हुई, जब आप लोग उस पे यू नो वर्क भी कर रहे थे? सो आई थिंक फहीम भाई हैड अ गुड विजन फॉर द प्रोजेक्ट, बट ही आल्सो अंडरस्टूड दैट दे आर ऑफ अ वेरी डिफरेंट एज ग्रुप हु माइट नॉट अंडरस्टैंड 20 ईयर ओल्ड्स. एंड इवन दो वी आरंट 20 ईयर ओल्ड्स, उनको था कि देयर क्लोजर और ये लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे. सो ही वाज वेरी ओपन ऑलवेज कि हमें मुझे बताओ कि इफ यू थिंक कि ये कुछ आउटडेटेड है इस कैरेक्टर में, या इफ यू थिंक है इसको लाइन को चेंज करना चाहिए. लिंगो, ही वाज, ही न्यू दैट जो लिंगो है आजकल, यू नो, वी आर नॉट जेन ज़ी, सो लाइक वी हैव, वी आर क्लोज टू देम, सो वी कुड परहैप्स, यू नो, मिमिक बेटर और गेट इनटू द लिंगो. ये काफी अच्छी बात थी कि ही वाज ओपन टू लाइक आइडियाज एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कि हम आप कुछ चेंज कर सकते. तो आई थिंक वी ऑल चेंज्ड सर्टेन पार्ट्स ऑफ आवर कैरेक्टर्स. शुरू में जब ड्रामे के प्रोमोज आए थे और लॉन्च हो रहा था, तो दो क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा आए थे, राइट? एक तो ये कि कास्टिंग शायद यू नो इससे बेहतर हो सकती थी, कि क्वेश्चन ये था कि क्यों आपने यंगर ऑडियंस, यंगर एक्टर्स को क्यों नहीं लिया. और दूसरा ये था कि ये क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग, मुझे लगता है जो बातें होती हैं या जो क्रिटिसिज्म होता है उस वक्त, तो आप में से किसी ने भी शायद जवाब ऐसा सच नहीं दिया है. वो क्या आप इंडिविजुअली लड़ाई करेंगे ना, या उसको वो करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक अच्छा मौका है जिस पे हम इसको टच कर सकते हैं. आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बता सकते हैं. फॉर कमिंग अपकमिंग प्रोजेक्ट्स दिस कैन बी सम समथिंग टू थिंक अबाउट एंड सर्व एज अ गाइडलाइन. मे बी वो तमाम लोग जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया था उनको भी शायद जवाब मिल जाए. तो ये आइडिया है इस बात को करने का. दूसरी ये बात बहुत लोगों ने बोली थी कि ये लग रहा है कॉपी ऑफ एन ऑफ ए शो. मैंने ये नहीं कहा, बट ये हुआ था. तो मेरा सवाल ये कि पहला तो ये कि आप में से कुछ लोगों का ये पहला प्रोजेक्ट होगा, कुछ ने थोड़ा पहले काम किया होगा,
बट फिर भी आप लोग रिलेटिवली न्यू हैं इसमें ना. इनफैक्ट आई विल कॉल यू गाइज न्यू. तो कैसा लगा जब इतना प्रोजेक्ट जिसके बारे में एक्साइटेड है ये क्रिटिसिज्म आ गया, हाउ डिड यू गाइज फील अबाउट इट एंड एनीथिंग यू वांट टू? Honestly, I didn't feel bad because it wasn't true. Anything that they were saying was not true. It was nothing like Elite. It was the, even the uniforms are not the same. The color of the tie is different. Girls are wearing different. Nothing like what we're wearing in the show, except for the fact that there's one Punjabi girl in that show. Yeah. And there's one in here. So they just thought that oh, this is Elite. And ये दो साल पहले shoot हुआ था. एक उसके साल बाद क्लास आ गया सो पीपल दोबारा से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये उसकी कॉपी है. सो आई थिंक पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि ड्रामा शूट काफी देर पहले, लाइक इट्स बीन मोर देन 2 इयर्स नाउ. वी वर आल्सो यंगर एट दैट पॉइंट सो वी वर स्टिल क्लोजर टू द एज ग्रुप दैट वी वर प्लेइंग. 2 and a half इयर्स लेटर वी आर मच ओल्डर, वी लुक ओल्डर नाउ. And I feel like iski hype bhi phases mein aayi thi. First when we started putting up the stories, so everyone found out ki acha college drama ban raha hai, so tab badi hype mili. Phir jab poster aaya तो एवरीवन सेड दिस इज अ कॉपी ऑफ एलीट, दिस इज अ कॉपी ऑफ एलीट, ये सस्ता वर्जन है एलीट का, ये क्लास का सस्ता वर्जन है. बट आई थिंक वी अंडरस्टूड एट दैट पॉइंट के दिस इज जस्ट द पोस्टर एंड वीव ऑल सीन एलीट. एंड आई हैव सो बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट या थोड़ा अफेक्ट नहीं हुआ था उससे? सिर्फ बस एक डर था बिकॉज़ पहली दफा एक प्रोजेक्ट आ रहा था. मैंने भी सिर्फ इससे पहले 12वां खिलाड़ी किया हुआ था which was a web series, so this was my first TV project. So ek dar tha ki yaar if people just keep holding on to this notion of sasta elite, so we will be ruined before we even start. It was so hard na hamare liye because jab itni hate mil rahi thi hum log express bhi nahi kar sakte, hum bata bhi nahi sakte the ki story kya hai, aap bana hi nahi sakte waisa kuch bhi. But I was just glad ki main akela nahi tha, you know, during all of this mere sath hi log sab the. That's very important, that's very true. So like hum sab group pe baat kar rahe the, then people so close to us, you know, उनसे भी जब आपको hate मिलती है, तो like I could only relate इन लोग के साथ, क्योंकि ये लोग मेरे साथ इस project. ये तो नहीं हुआ भैया हमारे साथ. मेरे साथ तो हुआ ना, मेरे साथ हुआ, but you know I remember when I used to like text you guys कि यार इस तरह सीखे से हो रहा है तो. लेकिन ये है कि I think एक तरह से थोड़ा अच्छा भी था क्योंकि लोग समझ रहे थे कि उसकी कॉपी है, तो वो देखना चाह रहे थे कि अच्छा इसमें क्या होगा. बट देन जब वो आया है तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट स्टोरी के साथ आया है, क्योंकि उस टाइम पे तो हम लोगों को ये चीज़ फील हो रही थी कि यार बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है, उससे बिल्कुल मैच नहीं करता, लव स्टोरी है ही नहीं इसमें. इसमें सिर्फ एक हम स्टूडेंट्स का स्ट्रगल दिखाया हुआ है कि सभी ने स्पॉइल कर दिया, स्टोरी आगे भी चलनी है. नहीं मैं बता, ये तो नहीं बताना, अभी तक तो बता दिया हुआ है ना कि हम किस तरह से अपनी लाइफ को मतलब फेस कर रहे हैं, किस तरह से लेके चल रहे हैं. तो सिर्फ ये चीजें थी. Also, how possibly can this be like Elite? Exactly. हम पाकिस्तान में ऐसा कुछ बना ही नहीं सकते. हमें पता था कि इसकी स्टोरी बहुत पाकिस्तानी है. No matter what you think about the uniforms or how the students are, you know, like a co-education वाला अपने environment दिखाया हुआ है, but ये होता है पाकिस्तान में. It's not like it's an anomaly. I've been to a school जहाँ पे ऐसा माहौल होता था. She's been to a school where जहाँ पे ऐसा माहौल होता था. So it's nothing like out of the blue. आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे? मैं और मामी एक दूसरे से मिले हुए थे सिर्फ. आया था एक दफा बस. हां तो पहली बार जब मिले तो किसका क्या रिएक्शन था, क्या इंप्रेशन था, क्या मुलाकात हुई थी, कैसे, कुछ मजे की बात है, कोई फनी बात है? फनी बात एसच पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन जब ये लोग आए थे तो सो बेसिकली मामिया और जरार मतलब खाकान के म्यूचुअल्स थे, मतलब उसके उनके थ्रू इनकी दोस्ती हुई. तो इन तीनों ने अपना ग्रुप बनाया हुआ था, चारों नतालिया खाकान जरार और मामिया. ये लोग जब आए हैं तो ऑब्वियसली इन लोगों की बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी. एक लॉबी हम लोगों को लगता था कि लॉबी बनी हुई है और ये तो हमें अब आगे आ नहीं रहे, कॉलेज गेट इज हैपनिंग राइट नाउ. और उस टाइम पे खाकान बड़ा जो है प्रोजेक्ट को लेके चल रहा था फहीम भाई के साथ में. फहीम भाई आपको मैं बताता हूँ ये चीजें इस तरह से करनी है, और मुझे गुस्सा आता था. मैं कहती थी ये क्यों जा रहा है, मतलब मैं भी प्ले यहाँ पे वही पार्ट प्ले कर रही हूँ जो ये कर रहा है. ये भी एक्ट करने आया, मैं भी एक्ट करने आया, ये क्यों जाता है फहीम भाई के पास, मैं जाऊंगी अब. तो मेरी तो उससे हो गई थी इस चीज पे बहस, अभी वो बैठा नहीं था, बैंटर चलती थी अच्छी खासी. मैंने कहा वहां पे आप 24 घंटे साथ भी थे, 24 घंटे साथ भी थे, सो वी वर शूटिंग इन द सेम होटल दैट वी वर लिविंग इन. और ये लोग सब साथ में पता होती थी, और हम लोगों की अभी इस तरह से बॉन्डिंग थी नहीं आपस में, क्योंकि हम सब एक दूसरे को नहीं जानते थे एक्सेप्ट अरसलान, उसको मैं पहले से जानती थी. तो उसके बाद मुझे
बड़ा गुस्सा आया एक दफा एक सीन में मुझे ना खाकान ने बोला कि यार सैम तुम ये चीज ना इस तरह से, मैंने कहा एक्सक्यूज मी तुम डायरेक्टर हो, ये फहीम भाई अगर मुझे बोलेंगे तो मैं कर लूंगी लेकिन मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी, मुझे भी बहुत सारी जगहों पर लगता है कि तुम ये चीज सही नहीं कर रहे लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बोला। तो खाकान ने क्या जवाब दिया? कहता है यार तुम तो दिल पे रही हो। क्लासिक खाकान आंसर ना, क्लासिक तो दिल पे रही हो, मैंने तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं बोली। बट कट टू the end of the first spell ke har koi literally itna open hamara environment ho gaya tha ke har koi ek dusre ko advice deta tha ke mujhe lagta hai tune scene acha nahi kiya bhai, aa jayenge phir se lete hain, ek dusre ki sab sunte bhi the end pe aake ye ek। बट मुझे ये बताएं शुजा कि ये जो इन चारों का ग्रुप था इसको तोड़ा कैसे आप लोगों ने? आप लोग सर नहीं नहीं मैं नहीं नहीं यही तो बात है, क्या स्ट्रेटजी है यार? चुप चुप मुझसे सवाल पूछो, चुप। मुझे लगा ये समझे, मुझे लगा ये समझ रहे कि इन्होंने अंदर अंदर आने दिया, मुझे लगा आप लोगों ने कोई टेक्निक नहीं 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 ये बेचारों को नहीं पता। नहीं खाकान ऑब्वियसली तो वॉइसेस का अपना भी होता है तो यू नो एक कंफर्ट होता है अपना, तो खाकान और जरार वर वेरी वेलकमिंग। मुझे इन्होंने ऐसा फील नहीं करा कि तुम मामिया से तो मामिया से तो बात ही नहीं होती थी ना, बिल्कुल नहीं मामिया से। सो वी हैड दिस थिंग, ये जरार आपको बताएगा, आई डोंट नो वो कोई गेम है, कार्ड गेम है, वी आर नॉट रियली स्ट्रेंजर्स इसका नाम। जब पार्टी डेट हुआ ना तो हमने कहा कि यार हमें भी ये फील हुआ कि इनको लग रहा है हमारी को लॉबी है, तो नतालिया के पास ये गेम थी, इट्स कॉल्ड वी आर नॉट रियली स्ट्रेंजर्स, तो हमने कहा दिस इज द परफेक्ट गेम टू प्ले विद दीस गाइस, सो वी कॉल्ड ऑल द कास्ट एक दिन रात को, आई थिंक इट वाज लाइक 10-12 ऑफ अस, और फिर हमने वो गेम खेली और उसके दिन के बाद बस फिर एक प्रॉब्लम हो गया, बहुत बहुत क्लोज हो गए थे सारे। ओके चलें, दैट इज रियली गुड टू नो। बड़ा मुझे लग रहा था जब मैं लिख भी रही थी ना क्वेश्चन, मैंने कहा कुछ तो हुआ होगा, हुआ तो बहुत कुछ है, बताइए क्या हुआ, बड़े फड्डे भी हुए। I'm sure but it's okay, it's all part of the journey and as you guys said very happening, like we love that it happened. But how was shooting at that area, us jagah pe itni dur ghar se aap log sab nikle hue the, और लोकेशन मौसम सर्दी क्या था? आई थिंक उस जगह की वाइब ही बहुत डिफरेंट थी, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं वाकई में वापस कॉलेज में आ गई हूँ, एक कैडेट स्कूल में आ गई हूँ, क्योंकि सुबह हमारी एडी आती थी 6 बजे आती थी, बिकॉज 7 बजे हमारा नाश्ता लगता था और उसके बाद वो हमें गुस्से से कहते थे अगर नाश्ता नहीं किया तो उसके बाद नाश्ता नहीं मिलेगा। ओके हमारे लिए अलग खाना लगता था, तो सुबह उसने हिजाब ने आना, सबके रूम आके नॉक करती थी, जल्दी से रेडी होके नीचे आ जाओ, हम नीचे जाके नाश्ता करते थे, ऊपर आते थे, हमारी यूनिफॉर्म्स जो थे वो आयरन होके पूरे रूम में पड़े होते थे। क्लास में भी बिल्कुल, हाँ क्लास में क्या होता था, सर को अक्सर गुस्सा आता था तो वो कहते थे सब अपने फोन दो, फोन पे क्यों लगेगा, फोन सबके लेके बकेट के अंदर रख के और उसके बाद हम बैठे हुए, वाकई में कॉलेज वाली फील आ रही है, बोरियत हो रही थी, इतनी नींद आती थी, 2-3 बहुत नींद आती थी, ऐसे थे कि वो मैंने देखे कि मैं और मामिया लिटरली हम उस सीन में वाकई सोए हुए थे और इतनी मुश्किल से जा रहे थे, वाली वाइब थी उसमें, बहुत बहुत स्ट्रांग उस जगह की वाइब बड़ी स्ट्रांग थी, मतलब बिल्कुल वंडरफुल एक्सपीरियंस, आई वुड रीलिव इट इन अ सेकंड, आई एम सो ग्लैड दैट फहीम भाई टुक दिस इनिशिएटिव के यूथ पे शो बनना चाहिए, बिकॉज़ इट्स नॉट हैपनिंग, यू नो लाइक एंड आई थिंक ऐसे और शोज भी बनने चाहिए, बिकॉज़ देयर इज नॉट इनफ footage or film or anything on record for people of our age or younger than us, so this is great and I agree with you, so I hope there's a season 2. I think especially Fahim bhai and the writers writing stories about the struggles of the children, how their relationships with the parents, because I feel like aur isi pe the most comments I've seen is especially apne character ke bare mein कि आई कैन रिलेट टू दिस सो मच बिकॉज मेरा भी ये शौक है और मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो आई थिंक वो स्टोरी टेलिंग हमारी सोसाइटी में जाना के एंड ऑब्वियसली सिर्फ यंग लोग तो नहीं देखेंगे, पेरेंट्स विल आल्सो सी दिस एंड दे आर आल्सो एंजॉयिंग, माय पेरेंट्स आर सीइंग इट एंड यू नो देयर देयर सर्टेन कैरेक्टर्स दैट दे लव, जिस तरह प्रॉब्ली मेरे से ज़्यादा उनको उस्मान और उसकी फैमिली का कैरेक्टर पसंद है और उन्होंने भी देखा एंड सो आई एम श्योर दे माइट नॉट कम्युनिकेट दैट टू देयर चिल्ड्रन बट दे विल नोटिस कि अच्छा मे बी दिस इज समथिंग दैट आई डू टू माय चाइल्ड, सो इट्स आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। वो भी बन गया ना कि अब दोस्त जो होते हैं वो बैठे हुए होंगे, यार तुम में ना वो बिलाल दिखता है, तुम में मुझे वहाज दिखता है, तुम उस्मान लगते हो, यू नो एक रिलेटेबल कंटेंट बन गया बहुत ज्यादा। मुझे दो चीजें अच्छी लग रही, एक तो ये कि उन्होंने हर कैरेक्टर को उठाया है, उसको बड़ा अच्छी तरीके से डिफाइन किया है, फिर उस कैरेक्टर का एक इशू है, एक
एक उसके थ्रू मैसेज एक प्रॉब्लम को हाईलाइट करें इफ यू गाइज लुक एट योर कैरेक्टर. दूसरा ये कि हर एपिसोड में मुझे लगता है कि वो कुछ हुक होता है या कोई एक चीज होती है. सो जैसे इन वन ऑफ द एपिसोड इट वॉज योर स्ट्रगल, देन इन अनदर वन इट वॉज योर कॉन्वर्सेशन विद योर फादर, यू नो एनी जो अपने अबू से जाके मशवरा लेती. अच्छा मैं भी हैरान थी, आई लाइक दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि वो इतनी ओपनली इस टॉपिक पे उन्होंने दिखाया कि लड़की अपने बाप से एडवाइस ले रही है. माँ से पहले बात करती है बट एडवाइस लेने बाप से जाती है. वो सच अ रिफ्रेशिंग थिंग. एंड देन मैं फिर नीचे यूट्यूब के कॉमेंट्स पढ़ रही थी एंड एवरी वन वॉज अप्रिशिएटिंग कि एनी ने आपने बड़ी अच्छी बात बोली है कि इट इज चेंजिंग माइंड सेट, यू नो इट इज गिविंग अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू टू पेरेंट्स एंड बच्चे ऑल्सो. बट चैलेंज था कोई करने में अपने कैरेक्टर्स को या इजी था? हाँ मेरे लिए था, बिकॉज़ एनी इज यू नो she is that girl jisko har kisi ka masla solve karta hai. She wants to ammi bani hui hai, say it. I you're not like resonate that. With that I was like, you know, I'm the kind of friend who would hear ha theek hai aise bhi ho sakta hai aise bhi ho sakta hai, ye nahi ki main tumhara masla hal karungi. And she's very vanilla also, so like it was. And yes, you're right, she's vanilla. She's this is so right. Matlab main dekhi very vanilla, so I had to like, you know, let go of my trauma and my like, you know, everything and just strip down to a very nice vanilla again. Hi, I'm Annie, how are you? So like I don't want a relationship, I want to work on my studies. But yeah, like I also enjoyed doing it. It was a challenge playing Annie. Yeah, and making her interesting. I think so Vahaj was very tricky for me because he's very silent. You'll notice that he doesn't talk a lot. Especially jitna abhi tak drama aaya uske andar, to especially like in the first 3-4 episodes main scene drama dekh raha tha aur main kehta tha ki yaar meri line hi nahi hai. Ye log bhi mera mazak udate the ki ha zara sirf mime karne aaya hai is drama mein. Jis ki line hoti thi शुरू वाले सीन्स ही पहले शूट किए थे. सो फॉर मी टू बी एक्टिंग ऑन स्क्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देन डू अ कैरेक्टर दैट आई फेल्ट वाज वेरी चैलेंजिंग बिकॉज कुछ बोलता ही नहीं था, हर चीज आंखों पे थी, फिर उसके ऊपर स्पेशली कैमरा भी आता था क्योंकि वॉइस ओवर मैं कर रहा हूँ ड्रामे का. सो मुझे एक्साइटमेंट ये थी कि हाँ अभी कोई नहीं, अभी मेरी लाइनें नहीं है, लेकिन पीछे स्टूडियो में जाके मैं बोलूंगा, लोग मेरी आवाज़ जरूर सुनेंगे. बट वो उस वक्त एंड आई फील लाइक कि मैं बहुत बेहतर कर सकता था नाउ व्हेन आई लुक एट इट, और स्पेशली जब सेकेंड थर्ड फोर्थ स्पेल हमने किया तब तक थोड़ा सा सीजन होना शुरू हो गए थे. सो आई फील लाइक दैट फॉर मी वाज अ स्ट्रगल जस्ट गेट, इवन दो वो कैरेक्टर काफी मेरे टाइप का है, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता, मैं सोशली अपने आप को डिस्टेंस रखता हूँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता ओपन अप करता हूँ, बट वो एक बहुत ही एक्सट्रीम वर्जन था मेरी अपनी पर्सनालिटी का. कैरेक्टर एज सच चैलेंजिंग नहीं था बट क्या चीज मुझे पता नहीं था कि कैसे रिएक्ट करना है, क्या शक्ल बनती है जब आप यू नो हाय होते हुए. मुझे नहीं पता था. मैंने तो कुछ बोला ही नहीं. नहीं नहीं आपकी टीम के लोगों को. दिस वन टाइम देयर वाज अ सीन जहां पे वो दिखाया है, अब उन्होंने एग्जैक्टली तो नहीं दिखाया बट मुझे बताया गया था कि वो कोकेन भी कर रहा है, वो वीट कर रहा है. तो अब मेरी आंखें ना ग्लिसरीन से लाल नहीं हुई थी, वो खत्म हो जाता है ना, आप इतना लगाते हो कि वो नहीं होने लगता फिर. सो व्हाट आई डिड वाज कोई सिगरेट पी रहा था तो मैंने वो सिगरेट जलती हुई जो उसका स्मोक होता है ना वो मैंने जरा आंखों पे ऐसे से मारा. Oh my goodness. फिर उन्होंने क्या करा पता नहीं, उनके पास कोकेन के लिए कुछ था नहीं पाउडर, तो उन्होंने ना वो प्रिकली हीट पाउडर होता है जो मिंटिश सी, अब वो मुझे इधर ना नोज में हल्की सी, अब मैंने हल्का सा सीन में स्निफ किया वो, और I'm just like, मेरी आंखें असल में चलने लगे, मेरी बैक चल रही है, मैं just like, और जैसे बोला ना कट में दिखाई कि पानी मारो पानी मारो. सो दैट वाज चैलेंजिंग थोड़ा सा, बट अदर देन दैट इट वाज फन. दीज आर फन बिट्स. आई मुझे तो बहुत मजा आ रहा है. सोचे प्रिकली हीट पाउडर से कोकेन, और वो कितनी दफा सीन किया होगा. हां मतलब 2-3 दफा किया था बट मुझे तो ये वो अंदर चला गया तो भाई छींके कितनी आती है, सर पूरे दिन ठंडी हवा फिलहाल का दिमाग ठंडा हो गया. हां वैसे दैट्स
does he have a crush on his teacher? He does. Mm-hmm. Yeah, he does. He does. Recently yahi dikhaya ki wo, you know, usko crush. Again, I'm like we're talking about the characters, right? Yeah. That's what I'm talking about. We are talking about the character. Yeah. For sure. Sirf Bilal. Yeah, Bilal. Because wo, but it is such an interesting topic. Yeah. कि वो स्ट्रगल कर रहा है ही नोज कि मे बी मुझे इस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए बट ही इज स्टिल टेम्प्टेड और वो अपनी तरफ से टीचर मदद ही कर रही है यू फील वेरी बैड फॉर हिम ना बड़ा तरस आता है कि बड़ा निग्लेक्टेड बच्चा है वो और उसके बाद कोई है नहीं ऐसी एडवाइसेस देने वाला जिंदगी में एक बंदा जिसने हाथ दिया उसको वही पसंद आया दोस्त भी इतने अभी मैच्योर नहीं हुए कि उसको इतनी वाइज बातें करे तो वो टीचर से दोस्त तो बिल्कुल मैच्योर नहीं बिल्कुल भी नहीं सब अपनी मस्तियों में लगे हुए सो तभी वो टीचर से जो है ना थोड़ा उसको होने लगा यू नो व्हाट आई रियली मिस आउट ऑन लाइक आई मिस्ड आउट ऑन हमारा एक सीन था ना ये जो कैंपिंग वाला भी एपिसोड चल रहा है उसके अंदर एनी जाती है बिलाल के पास एक कोने में बैठा होता है एनी जाके कहती है बिलाल तुम यहां भी ड्रग्स कर रहे हो एंड आई रियली वांटेड टू डू दैट एंड बिलाल थिंक नहीं हुआ फिर वो ओके व्हाट अबाउट यू मेरा कैरेक्टर मुझे उस टाइम से चैलेंजिंग नहीं लगा क्योंकि मुझे लग रहा था आई वाज दिस पर्सन क्योंकि मैं कॉलेज में थी ऐसी ओके मेरी बचपन से ही ज्यादा दोस्ती रही लड़कों के साथ ही ज्यादा खेलना कूदना उनके साथ उठना बैठना तो शायद मैं थी ही इस तरह की मेरे लिए वो करना ईजी था लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया वो करके क्योंकि जब हमारा शूट ख़त्म हो जाता था उसके बाद भी जब हम लोग कहीं बाहर जाते थे घूमने तो ये लोग मुझे कहते थे कैरेक्टर से बाहर निकल आओ सैम दिख रहे हो बाहर सैम नहीं हो मैंने कहा नहीं मैं हूँ ही ऐसी तो खैर मज़ा आया वो करने का इतना खास मेरे लिए फन था अब आप लोग जब बाहर जाते हैं कोई फैन रिएक्शन शेयर कर सकते हैं कुछ हुआ मज़े का इंसिडेंट आई वाज इन टर्की एंड आई वाजंट एक्सपेक्टिंग टू फाइंड एनीवन हु इज वाचिंग कॉलेज गेम इन टर्की Wow. And I was like, yeah, what, this is not real, like how is this happening, it's everywhere. That's where it hit me, ke, it's now like, it's a thing now, like it's a big thing. And, yeah. And I think it's picking up now. It's picking up now. The other day I ordered some KFC and first of all, a female rider came to deliver my food, wow. which was great. पहले मैंने वो आई तो मैंने उसकी तारीफ की मैंने कहा I'm so proud of you के आप you know ये काम कर रही हैं वो स्कूटर पे आई थी रात को लेट भी था और शी टोल्ड मी कि मैं स्टूडेंट हूँ ये वो तो मैंने कहा ग्रेट 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 फिर वो खाना निकाल रही थी एंड शी लुक्स अप एंड शी इज लाइक आप तो वह आज हैं कॉलेज गेट से और मैं भी उस वक्त स्टंट मेरा पहला कॉलेज गेट पर लाइक आई मेट सम पीपल हु नोन मी थ्रू माई इंस्टाग्राम वर्क तो वो हो जाता है कि आई मीट पीपल एंड दे वांट टू टेक पिक्चर्स बट ड्रामे के थ्रू वो पहला था और मैं बस मैं खाने पकड़ने के मूड में था तो मैं भी स्टैंड में शॉर्ट्स में खड़ा हूँ मैं बस उससे खाना ले रहा हूँ थैंक यू वो कह रही है आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा है मैंने कल वाली एपिसोड भी दो दफा देखी है और मैंने कहा थैंक यू सो ये काफ़ी क्रेजी एक्सपीरियंस था कि यू नो एवरी वन इज वॉचिंग इट नाउ लाइक आई ऑल्सो फील समटाइम्स कि मैं कहीं बाहर हूँ तो ये एक हमारी जिंदगी में आई थिंक नई चीज़ आ रही है जो ऑब्वियसली सेलिब्रिटीज आर यूज्ड टू इट बट इट्स ड्यू टू अस आप लोगों का कुछ हुआ था जिम से आ रहा था मैं सो पैदल ही जा रहा था मैं आई लाइक वॉकिंग बस आ रहा था तो दूर से एक बंदा बाइक से ना बाइक में आ रहा था स्माइलिंग एट मी दूर से ना तो पहले मैं डर गया मैंने कहा छीनम छानी तो मैं दूर रुक गया ना मैं ऐसे रुक गया कह रहे नहीं नहीं मैं छीनम छानी करने सर मैंने आपको बताना था कि यू नो आप कभी मतीन प्ले करते हैं कभी कॉलेज स्टूडेंट प्ले करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है मैं आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ मैंने कहा अच्छा थैंक यू सो मच तो बस छोटा सा इंटरेक्शन था नहीं बस लाइक बस मैं आपसे छीनम छानी करने नहीं आ रहा था आपको बताने आ रहा था ओके थैंक यू मेरा हाँ मेरे साथ दो तीन दफ़ा ये हो चुका है कि अभी कराची आते हुए भी मुझे एक दो लोग मिले थे जिन्होंने पहचान लिया था मुझे आप वो सैम है ना सैम और उससे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि मीम्स बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं और लोगों को पता नहीं था कि मैं मैरिड हूँ और मेरी एक बेटी है और जब उनको पता चला तो मीम्स बन रहे थे कि यार सैम तो सबसे ज़्यादा खिलाफ थी शादी की इसका तो एक बच्चा भी निकला तो ये एक बड़ी मतलब ये वाली मीम्स जो है ना ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं और बड़ा मज़ा आता है जब मैं उन मीम्स को देखती हूँ तो एक लाइन है वो एनी के कैरेक्टर को बोलता है वो जो लड़का है उनके पीछे के जुनैर के लड़कियों को चीज़ी लाइन्स बोलने वाले लड़के बड़े पसंद आते हैं
So is it true? आते हैं लड़कों को बिल्कुल भी नहीं. Do you guys try कि cheesy lines बोले? I think sometimes. I think ये Zunair वाली जो Zunair type vibe में जो भाई है ना हमारे. The timing should be right ना करते हुए तो timing अच्छी हो तो why not? अच्छा let's start from here. लड़कियों से पहले पूछते हैं लड़कियों को पसंद आते हैं कि ऐसे cheesy lines बोलने वाले लड़के. What relationship it is and where you are in that relationship. It can't be के you are trying to you know impress someone or like get them to like you and you start saying cheesy lines. हाँ अभी तो हम उसी situation की बात कर रहे हैं ना. बिल्कुल भी नहीं. नहीं. No. So avoid cheesy lines. According to. No, are you from Tennessee? No. मेरे ख्याल से इंसान जितना honest हो अगले बंदे को उतना ही मतलब आप transparent हो वो ज़्यादा अच्छा लगता है. ये cheesy lines और आपको पता होता है कि ये बंदा fake कर रहा है इस चीज़ को कि ये इतना है नहीं जितना ये दिखा रहे हैं. Okay. तो मेरे ख्याल से आपको You know, some girls I think might like it. I personally think college girls, if you ask, But it's specifically to yaad nahi hai lekin I remember I can see you you can remember you're not just telling me I swear 100% cheesy lines use karta tha shaadi se pehle aur shayad aaj bhi aur abhi bhi karta hai aur karta rahega you have to give us an example entertain I swear mujhe bilkul yaad nahi aa raha hai abhi kya bolte hai I can never say it on camera meri yaad se abhi tum oh वो नहीं खाएगा वो हमारे साथ हम भी नहीं खाते ना तो ये नहीं खा रहा होता ये सारा आपने ले लिया सॉरी फिर वो नहीं मजे की बात हुई मी आई थिंक मैं इतना विटी नहीं था कभी भी मैं कोशिश करता था कि मैं बस लुक से किसी को इम्प्रेस कर दूँ मैं स्माइल कर दूँ अगर मुझे वहाँ से कोई मिलती थी ना पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट तो फिर मैं बस हेलो हाय के साथ ही कर लेता था बट मैं आई डिडंट फील दैट कॉन्फिडेंट विद माय वर्ड्स और दैट मनी तो मेरा बस ये होता था कि वो अगली लड़की डिफ्रेंशिएट किस तरह करती तुम तो हर वक्त स्माइल कर रहे होते हो तो उसको कैसे पता चलेगा अच्छा मुझे बताएं एनी के फादर भी कहते हैं एनी भी को लग रहा है कि शी बिलीव्स के रिलेशनशिप जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं डू यू गाइस बिलीव दैट डू यू थिंक ऐसा कुछ है इसमें कितना सच है कितना आप आसपास देखते हैं इस चीज़ को होते हुए कि रिलेशनशिप स्टूडेंट्स को या यूथ को या यंग एडल्ट्स को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करती हैं स्टडीज से अपने फोकस से अपने गोल से रियली डिपेंड्स इंडिविजुअल जो है हु द वन इज गोइंग थ्रू इट के Sometimes it motivates you, to be honest. Sometimes you're the kind of partner you have also, you know, that matters. Sometimes you want to study hard, be someone for someone. And sometimes aap bas sideline ho jati hai padhai aur bunk kar rahe ho. Sometimes you don't want to study, but your partner will be, or like not want to work on your career, but your partner will be like, hey, yaar, I believe in you, do this. Okay. Yeah. So I think itni badi bhi distractions. नहीं होती फॉर मोस्ट पीपल लेकिन बड़े डिफरेंट है मेरी नहीं है अभी लेकिन ऑब्वियसली अगर होती तो डिस्ट्रैक्शन होती नहीं नहीं ओके आई थिंक आई एम फोकस्ड इनफ ऑन माय सेल्फ एंड आई हैव इनफ सेल्फ वर्थ के मैं आई कैन पुट कंपार्टमेंटलाइज थिंग्स के ये इसका टाइम है ये मेरा टाइम है जितनी इसका कैरेक्टर एंटी रिलेशनशिप है इसने इसकी भी शादी हुई भी है इसका भी करियर से पहले इसने सब कुछ डन यस कर लिया था यस यस सेम सेम आई थिंक या यू वांट टू ऐड एनीथिंग
मेरे ख्याल से हाँ, मतलब स्टडीज के टाइम पे रिलेशनशिप्स जो है वो आपका फोकस जो है वो कहीं और चला जाता है. अच्छा, शी इज ऑफ द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, क्योंकि आई थिंक आप जब क्योंकि वो एज इस तरह की है कि आपको पता नहीं होता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है. ओके, जब आप उस एज से गुजर जाते हो तब आपको पता चल जाता है कि यार हर चीज़ की एक लिमिट है, एक मतलब आपने किस चीज़ को किस तरह से लेके चलना है, बैलेंस किस तरह से करना है. तो उस टाइम पे आपको थोड़ी समझ आ जाती है कि आपने हर चीज़ को मैनेज करना है. उस टाइम पे जो वो जो कॉलेज की जो एज होती है उस टाइम पे आपको चीज़ें पता नहीं होती हैं. okay. तो आप एक आपका फोकस एक तरफ होता है, फिर या उधर या इधर. आजकल हम देखते हैं पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान काफ़ी कम्युनिकेशन गैप है. आप लोग अपने जब उन ईयर्स से गुजरे और अब आसपास भी देखते हैं, क्या चीज़ है, पेरेंट्स क्या चीज़ मिस कर रहे हैं, एक दो चीज़ें दैट यू थिंक पेरेंट्स शुड मेक नोट ऑफ या शुड बी यू नो अवेयर ऑफ या शुड बी कंसिडर जिससे रिलेशनशिप्स बच्चों की और माँ बाप की थोड़ी सी बेहतर हो सकती हैं, क्या गैप्स हैं. आज का एक डायलॉग है, जब जो टॉफी आपको चाहिए होती है और आपको नहीं मिलती तो वही आपको चाहिए होती है. सो आई वुड से जो पेरेंट्स होते हैं ना, दे आर ऑब्सेसिव अबाउट देयर चिल्ड्रन. सो व्हेन दे रियली वांट देयर अटेंशन एंड रियली वांट टू यू नो वांट देम टू लिसन टू देम, दे रीइंफोर्स थिंग्स इन अ वे के ऑब्सेस्ड होते हैं वो. तो इफ दे टेक अ फ्रेंडली अप्रोच, दे लिसन टू देयर किड्स, तो वो नहीं भागेंगे फिर उनसे. बट दैट समथिंग दैट डजंट हैपन. आई फील लाइक दैट हैपेंस विद द जनरेशन गैप आल्सो. सो या इफ यू टॉक टू योर किड, इफ देयर इज कम्युनिकेशन, आई फील लाइक फ्रेंडशिप इन एनी रिलेशनशिप इट वर्क्स. मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कम्युनिकेशन गैप ही होता है जो जहाँ पे जिसकी वजह से चीज़ें बिगड़ती हैं. क्योंकि मेरे घर में अगर देखा जाए तो शुरू में ये चीज़ थी, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ, मेरे सारे बहन भाई मेरे से काफ़ी बड़े हैं. तो मेरा और मेरे फादर के बीच में प्यार बहुत था. मेरी सबसे ज़्यादा अटैचमेंट उनके साथ है अभी तक. लेकिन एक फिर भी एक कम्युनिकेशन गैप था. मतलब अगर कभी कोई स्टडीज़ की कोई बात आती थी या इस तरह की कोई बात आती थी, वो मेरी अम्मी को जाके कहते थे, अम्मी आके मुझे कहती थी. तो डायरेक्ट वो चीज़ नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे डर होता था कि यार मैं अब्बा को जाके ना बताऊँ या उनको ना पता चले, क्योंकि चीज़ें शायद थोड़ी बिगड़ जाएंगी. ओके, तो अगर वो कम्युनिकेशन गैप ना होता तो शायद चीज़ें थोड़ी बेहतर हो सकती थी. ओके, तो ये एक मुझे लगता है कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए पेरेंट्स और बच्चों के बीच. आई फील लाइक बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा जब आप कर देते हैं ना, कि लिमिट कर देते हैं, हाँ रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा जब कर देते तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है. अगेन बट वो कनेक्ट तो कम्युनिकेशन से ही करेगा, यू नो करेगी बात के अब अपने बच्चों के साथ. जरूरी है कि कन्वर्सेशंस की जाए. बहुत, हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आई फील लाइक द नोशन जो काफ़ी पेरेंट्स का होता है कि आजकल के बच्चे ऐसे, या हमारे ज़माने में तो नहीं होता था, बींग वेरी इगोइस्टिक अबाउट हाउ योर टाइम्स वर और अब कैसे हैं. आई थिंक अगर काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स सिर्फ इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल देना तो वो अपने बच्चों के साथ बेहतर कनेक्ट कर सकते हैं. जिस तरह मैंने अब अपने पेरेंट्स के साथ देखा कि आई हैड अ गुड कॉर्पोरेट जॉब आफ्टर कॉलेज और मैं एक अच्छे करियर पाथ पे था और साथ साथ मैं एक फिटनेस ट्रेनर था. ठीक है. और उस पॉइंट पे मैंने अपने अबू कहा कि यार ये 9 to 5 वाला नहीं हो रहा मुझसे. ठीक है, आपको पसंद है और स्टेबल है, बट मुझसे नहीं हो रहा. आई डोंट इमेजिन माई सेल्फ डूइंग दिस एंड आई कांट सी माई सेल्फ डूइंग दिस. तो लेट मी डू दिस, आई विल मेक समथिंग ऑफ माई सेल्फ. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. आई जस्ट वॉन्ट यू टू से कि यू हैव माई ब्लेसिंग एंड दैट यू हैप्पी विद मी. और उनने कहा कि ठीक है, आई ट्रस्ट यू. और उससे पहले कॉलेज में भी यही होता था. ये उस दिन हमारी एपिसोड में भी ये लाइन आई थी कि जावेद शेख साहब मुझे कहते हैं कि तुम मुझे गिटार के बारे में कुछ ना बताओ, तुम बजाओ तुमने जितना बजाना है, लेकिन मुझे बस तुम्हारा ए चाहिए. और मेरे अब्बू मुझे इतना रिलेटेबल मुझे लगा था, क्योंकि मेरे अब्बू एग्जैक्ट मुझे ये कहते थे कि मैं तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें कर दूंगा. तुमने फुटबॉल खेलनी है, तुमने मैथमेटिक्स भी करता था स्कूल यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा कुछ भी कर लो, मुझे बस मेरे ग्रेड ला दो, उसके ऊपर तुम्हें जो चाहिए. तो आई थिंक अगर आप इस तरीके के रिवॉर्ड्स भी रखते हैं पेरेंट्स, जिस तरह मुझे मेरा मैं रिवॉर्ड सिस्टम की वजह से सही था, ग्रेड लाऊंगा चीज़ें मिल जाएंगी. तो बस इस तरीके से मेरी जिंदगी, हाँ वो रिश्वत में मेरी जिंदगी सेट रही, तमीज़ में भी रहा, लड़ाई भी नहीं हुई, एंड इट जस्ट वर्क्ड आउट. और टीचर्स, उनके बारे में क्या ख्याल है? टीचर्स क्या पाकिस्तान में जो सिस्टम है उसमें वो रोल प्ले कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए? आर दे इफेक्टिव? आर दे इम्पैक्टिंग द लाइव्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स? आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा है? अप अंटिल फिफ्थ ग्रेड
मुझे याद नहीं, मेरी टीचर होती थी, आई जस्ट लव, यू नो व्हेन यू आर चाइल्ड यू लव योर टीचर्स, एंड देन आई जस्ट लेफ्ट द कंट्री, सो आई केम बैक फॉर यूनिवर्सिटी. University is a whole different setting, and my teachers, yeah, they were great in university, but school I didn't do here, so I can't. Okay. I think a variety of teachers आपको मिलती है, जिस तरह university में हमारे को teachers थे जो हमारे साथ बैठ के गप लगाते थे, जिस तरह show में Ms. Zara लगाती हैं, और उनसे हम बड़ी चीज़ें discuss कर लेते थे. वो उन्होंने हमें काम की opportunities भी देते थे, but कुछ teachers होते थे ऐसे कि बस नहीं, सख्ती है सख्ती है सख्ती है और कुछ नहीं है. सो आई फील लाइक के टीचर्स का बहुत ज़्यादा हाथ होता है. मुझे आज तक ये याद है कि मैंने पढ़ाई करना शुरू की थी प्रॉपरली, नॉट बिकॉज मुझे अपने बाप की डांस से डर लगता था या मुझे वो डिसअपॉइंटमेंट का डर था, बिकॉज मेरी एक टीचर जो हमारी थिएट्रिक्स के अंदर हमारी केयर टेकर होती थी, उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा आई वॉन्ट यू कि तुम इतना अच्छा हो ड्रामेटिक्स में, तुम हर चीज़ एक्स्ट्रा करिकुलर अच्छे करते हो, I want कि अब तुम अपने A levels में भी अच्छे grades लो. And like she was the one woman in my life apart from my mom जिसको मैं as a mother figure देखता था. तो I feel like कि वो एक teacher थी और उनका impact इतना ज़्यादा था कि उसके उनके इस line कहने के बाद मैंने पढ़ाई करना actually शुरू की, because it hit me that hard. तो I feel like teachers यहाँ पे realize नहीं करते कि उनका कितना बड़ा impact हो सकता था. The power they have. They have a lot of power. Yeah. जिंदगी चेंज कर सकते हैं. यस. मैं स्कूल्स के बारे में बता सकता हूँ, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बारे में तो नहीं, बिकॉज मैंने कॉलेज से प्राइवेटली स्टार्ट कर दिया था और यूनिवर्सिटी गया नहीं. बट स्कूल्स में आई फील लाइक है टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ इतना वो नहीं है मुझे लगता है. बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस गुजरा है, जो मेरे एक सर आते थे जो घर आके मुझे जो ट्यूशन देते थे, ही वॉज़ रियली नाइस. बिकॉज ऑफ हिम मैंने पढ़ाई में जो थोड़ा बहुत भी जो मैंने किया एक्सीड किया, तो उनकी वजह से किया, बिकॉज ही वाज यू नो ही वाज वेरी फ्रेंडली, ही वाज वेरी नाइस. सो इट्स नाइस टू हियर कि मतलब टीचर्स आर मेकिंग एन एफर्ट, ठीक है, नॉट मे बी नॉट ऑल ऑफ देम, बट दे आर मेकिंग एफर्ट और दे रियलाइज के वो क्या चेंज ला सकते हैं जिंदगी. आई फील अगर कॉलेज गेट वाले टीचर्स हो पूरे पाकिस्तान में, नहीं मतलब बाकी में, आई फील काफी कुछ बेहतर हो जाए. आई थिंक हमारी जनरेशन के जो लोग अब या हमारे से थोड़े बड़े जो टीचर्स बन रहे हैं, उनका थोड़ा डिफरेंट है. आई हैव मेट अ फ्यू, ओके, एंड द वे दे डिस्क्राइब के वो क्लास कैसे लेते हैं, दैट्स वेरी डिफरेंट देन वी वुड यूज्ड टू. ओह दैट्स इंटरेस्टिंग, बिकॉज आप अपना ट्रॉमा ही आगे अपने काम में लगाते हो अपने आप को बेहतर करने के लिए. ट्रू. What about you, Hina? मुझे भी यही लगता है कि जब हम जिस टाइम पे मैं स्कूल में पढ़ रही थी, उस टाइम पे स्कूल और कॉलेज के टीचर्स इतनी नहीं होती थी कि वो बच्चों के साथ पर्सनली उस तरह से पूछ सकें कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है या तुम्हारे ग्रेड्स क्यों ऐसे जा रहे हैं. उनका ज़्यादा मेन फोकस ये होता था कि हमने स्कूल को रिजल्ट देना है अच्छा, ना कि बच्चे को हमने मतलब उसको हेल्दी एजुकेशन देनी है या उसको अच्छे तरीके से पढ़ाना है, ये उनका आई थिंक मेन फोकस नहीं था. अब की अप्रोच काफ़ी डिफरेंट है और आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा है. हमारी दफ़ा में तो इतना नहीं था. सो थ्री ऑफ यू आर मैरिड यहाँ पे, तो वही जो इनकी अम्मी भी बोलती हैं और उसमें भी आ रहा था कि परफेक्ट कोई नहीं होता है, परफेक्ट पार्टनर्स नहीं होते, पार्टनर्स बनाने पड़ते हैं, या ऐसा कुछ लाइन है उसमें. व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट, परफेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है चॉइस में? I don't know, I feel like and so I mean isko continue karungi, phir agar assume bhi kiya ki ye insaan perfect hai, phir over the time kaise cheeze change hoti hain, ya what has been your experience or what would you like to tell the people who are thinking of finding the perfect right person? I feel like not the right, the Mr. Perfect or Miss Perfect. I don't know, I don't think people should be looking for perfect, cuz until I got in this relationship, and we were friends before, until it became a relationship and I felt like I did not know I wanted this, I did not know this was perfect for me, but this was right for me, and that's what makes it perfect. So how you grow in the relationship together, how compatible you are, how you communicate, just, you know, talk everything through and just keep it easy. Don't forget that you started with the friendship. But jab friendship nikalti hai to relationship ka raita ho jata hai, end jati hai. So you need to remember that there was love and there was friendship, and together is what it makes, you know, a relationship. Ye aapne badi achhi baat boli hai ki I did not realize
till I started कि ये मेरे लिए perfect है. So that person might not be actually perfect, लेकिन वो जो भी combination है वो आपके दिल को भाती है तो वो आपके लिए perfect है. मुझे तो ये बड़ी poetic बात लगी आपकी, मैंने लिख लिया ये. What would you say? I think what Mamiya said pretty much explains everything. मतलब उसमें यही चीज़ है कि जब आप जब तक आपकी शादी हो नहीं जाती तब तक आप एक छत के नीचे रहते नहीं तब तक आपको पता नहीं चलता है कि हाँ यही इसी चीज़ की आपको ज़रूरत थी. क्योंकि पहले मैं जिस पर्सपेक्टिव से देख रही थी उस हिसाब से चलो चीज़ें थी तो सही परफेक्ट, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चलता है कि नहीं जो मेन चीज़ें हैं वो ये होनी चाहिए थी. और आई थिंक आई एम लकी कि मुझे मेरे जो हस्बैंड हैं मुझे शुक्र है कि वो मिले हैं और इतने सपोर्टिव हस्बैंड मैंने कहीं देखे नहीं हैं कि उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि यार तुम अब मतलब हमारी अब एक बच्चा है तुम नहीं जाओ या जो भी है. वो मुझे कहते हैं तुमने काम करना है तुम करो उसको मैं देख लूँगा उसको मेरे पास छोड़ जाया करो. राइट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी दोस्ती की तलाश होनी चाहिए अपने पार्टनर में. तो मिस्टर परफेक्ट खुद ही मिस परफेक्ट हो गए मिस्टर परफेक्ट खुद ही बन जाएंगे. गुड एडवाइस गाइस गुड एडवाइस. आपने क्या क्या पिक किया जरा इसमें से कोई पॉइंट बना लिया आपने? मैंने इसमें से ये पिक की है कि आपने बातें करनी है कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है और लुक्स पे तो आपने जाना ही नहीं है. ट्रू ट्रू नहीं बाकी दिस इज ट्रू ये बात तो वाकई फैक्ट नहीं लिसन यू नीड टू बी अट्रैक्टेड टू द पर्सन यू वांट टू बी विद. हां बट सबकी देखो सबकी चॉइस भी तो डिफरेंट होती है. तुम्हें किसी और तरह की लड़की पसंद होगी इसको किसी और तरह की लड़की पसंद होगी या उसमें कोई एक ऐसी चीज होगी कि उसको ये अच्छा लगता है उसको वो अच्छा लगता है. यार आपको पता है ना लड़कियों को बड़ी कंप्लेन होती है कि ये तो बात ही नहीं करता इतनी वो लड़कियां ही फोन पे बात की जाती हैं. सो अगर आपने ये टिप पकड़ ली है कि बातें करना तो आप बहुत काम हर लड़की को ये पसंद ही नहीं है. नहीं पसंद नहीं इतने टेक्स्ट नहीं पसंद है मैसेज करो क्या क्या कर रहे हो खाना खाया क्या पहना. आप थक जाएंगी. नहीं टेक्स्ट नहीं फोन पे बात भाई टेक्स्ट तो फोन पे बातें नहीं होती है ना. जॉगिंग करते हुए किसी भी सिचुएशन में चलता है. हमने जरार को पूरा ना एक प्लान बता दिया है. हां तो लड़का एक पूरा फुल पैकेज प्रिपेयर करके भेज रहे हैं. स्माइल का भी मैंने बता दिया है आप लोग करेंगे या नहीं करेंगे आपस में बताएंगे कौन ये करेगा. हु इज मोस्ट लाइकली टू हैव अ रनिंग टैब खाता विद अ कैंटीन. किसका कैंटीन में खाता चल रहा होगा. Me and Hina. Yeah. हाँ. हमारा on set भी हम लोग उधार पे फहीम भाई हाँ. 5 मिनट की ब्रेक हम दुकान तक जा रहे हैं और हम स्नैक्स लेने जा रहे हैं. हम पूरे सेट को स्नैक्स बांट ये तो इमली हम शॉपर लेके आते थे एक चिप्स एक चिप्स एक चिप्स सबको इतना खिलाए इतने ना शुक्रे दिन में 3 दफे चिप्स खिलाते थे. कैश पे दे रहे थे या खाता चला रहे थे बाद में जाके 10 दिन में या 4 दिन स्कूल में तो होता था. मेरा तो वहाँ पे भी चल रहा था जो हमारे होटल के बाहर वो उधर भी था तुम्हारा लॉकवुड के नीचे क्योंकि मेरे पास अक्सर चैन नहीं होता. उनको कहा यार भैया मैं बाद में देख के जाती हूँ. उनको पता था हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं. कोई बात नहीं बाजी बाद में दे जाओ. हाँ ओके दैट्स इंटरेस्टिंग. हाँ अगर आप कैमरा रोल अपना चेक करें फोन का तो किसके पास सबसे ज्यादा पिक्चर्स होंगी. मामिया हु डू यू थिंक विल हैव द मोस्ट पिक्चर्स. नहीं आपको जवाब देना पहले इनका फिर बारी बारी. अच्छा ये सब मामिया उसको पता है कि वो खुद ही है उसको भी ये पता है. कितनी है कितनी है फोन का है. वी वांट टू सी माय फोन. कितनी पिक्चर्स हैं आपके रोल पे. आईक्लाउड भी भरा है ना. ओह वाओ सो क्या 10 हमारे कोई 18,000-20,000 होंगे. कितनी 30 के एक्चुअली पता नहीं मैं देख के बताऊं. ओके दैट्स मी. ये आपको पूछना चाहिए कि इन तस्वीरों के अंदर किसके पास सबसे ज्यादा अपनी तस्वीरें होंगी. सेल्फी नहीं मैं लेती जस्ट आई थिंक आई एम. किसकी होगी. If you guys were still students, who would be it girl, mean girl, Romeo, complete introvert, the nerd? Romeo. Oh. आगे. Okay. Nerd. I think. Nerd कौन? Nerd would be Asad. नहीं नुमान या Asad. नहीं नुमान. Asad. Asad. Nerd.
I think it's even in real life. Good typecast. Yeah. Khakan. Mean would be Khakan. Definitely Khakan. Mean girl, not mean boy. Okay. और क्या था? It girl और it boy. Natalia. Okay. Natalia. Or it boy. Although I've been the it girl my entire life. इसलिए तुम लोगों की लड़ाई हुई थी सेट पे. हाँ, हो सकता है. Who's most likely to be confident enough to go up to someone and ask for their number? Shuja. I was about to say Khakan. Never. Khakan is, he is so like full of himself. Yeah. Sorry. Yeah. I take that back. Yeah. But again, like, वो कभी नहीं करेगा. I think हिना को अगर कोई पसंद हो तो वो मांग लेगी. हाँ, शुजा को भी कोई पसंद हो तो वो मांग लेगा नंबर, मुझे लगता है. शुजा ने जाए कहना है अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बड़ा फैन हूं, आपके काम बहुत अच्छे हैं. मैं कुछ लाइंस बता रही हूं आप लोगों को, इंस्टाग्राम से उठाई हैं हमने, ठीक है. यू गाइस आर सपोज्ड टू टेल अस कि किसने कहा होगा या किसने पोस्ट किया होगा, और ये अगर आपकी अपनी लाइन है तो खामोश रहिएगा, प्रिटेंड कीजिएगा आप लोग भी कि किसी और की लाइन है, डोंट गिव इट अप, ठीक है. सो पहली लाइन है, आई वाजंट मेड टू फॉल इन लाइन. हु डू यू थिंक वुड हैव पोस्टेड दिस? आई वाजंट मेड टू फॉल इन लाइन. ये हमारी कास्ट में से ही? जी, आपकी कास्ट में से ही है. आई थिंक असद. नहीं. Why असद? I don't know. He likes to be. मैं captions बहुत कम लिखता हूँ. Natalia? नहीं, not Natalia. Khakan. Why Natalia? Or why Khakan? You have to tell me a reason also, ना? I don't think Khakan would say this. One-liners होते हैं ना उसके usually, so I assumed that like it could be either Natalia or Khakan. बट ये इस तरह की स्टेटमेंट कौन देगा? आई वॉज मेड टू फॉल इन लाइन. मैंने किसी गाने के लिरिक्स लिखे हैं. ये आपको याद आ गया? हाँ, ये गाने. ओके, अच्छा. Somebody is saying maybe I should wear glasses more often. मैं. No. Nice. No. नहीं. It's not you. कौन कह रहा हो सकता है? किसको शौक है? असद? नहीं. बोरे में मतलब उनको उन्होंने पहनी हो ना ग्लासेस खुद को, और फिर देखा अरसलान. नहीं, रेगुलर ग्लासेस. देख के अच्छा लग रहा होगा, बोल रहे होंगे अरसलान. खाकान. खाकान कितना अच्छा पता चला ना, हाउ वेल दे नो ईच अदर. आप ग्रेटेस्ट हैं लेकिन मैं उससे थोड़ा सा बेटर हूँ. ये असद लग रहा है मुझे. फ्रूट ऑफ पाकिस्तान किसने पोस्ट किया होगा? खाकान क्यों लिख रही है ऐसे सारे कैप्शंस? उसने शर्ट पहनी है, घर बना हुआ था. ओह, ओके. आई नीड टू गो एंड सी द पिक्चर्स. और हम भी थे ना उसमें. अच्छा, मैं पिक्चर दिखा रही हूँ आप लोगों को किसी की, यू हैव टू गेस कौन है ये. हु इज दिस क्यूट बेबी? एक सेकंड. दिस लुक्स लाइक. इज दैट ज़ूम इन कर सकते हैं? इससे ज्यादा क्या ज़ूम इन कर सकते हैं? ये रहा क्या गोरा बच्चा कौन? खाकान क्यों लग रहा है? खाकान लग रहा है मुझे, लेकिन आईज आई डोंट नो. आई नहीं, हरी नहीं है आंखें. तो ये खाकान तो नहीं है. अच्छा, क्या क्या नजर आंखें हरी नहीं है? बिल्कुल भी. और पिंक नीचे पहना हुआ है. बचपन में तो सभी के पिंक. लड़की है नहीं, पिंक पहना. डू यू नो कौन है? अरसलान? नहीं, बता दूं. Even you couldn't guess. I know. Thank you so much for your time. Had a good time. Thank you so much. मजे के किससे पता चले और interesting conversations I think we had. मुझे बड़ा मजा आया. सारी जो details पीछे की दे रहे थे, but it's going great.
एंड आई होप कि बाकी का सफर भी कॉलेज गेट का अच्छा गुजरे जिस तरह अभी तक इतना अच्छा गुजरा है. वी कीप getting good messages through you guys and entertained at the same time. Hopefully we'll be seeing you with some other projects. Inshallah. Very soon. Wo to given hai. It's only a matter of time, I think. I guess. Or maybe season 2, I don't know. Yeah. Maybe. Never know. Maybe a set visit of season 2. Yeah. Maybe a new teaching role. No, that's not happening for sure. But tell me, कुछ आप लोग इस वक्त शूट कर रहे हैं आप में से कोई किसी का कोई प्रोजेक्ट? जी मेरा एक चल रहा है गिलगित में. Okay. और दो चल रहे हैं एक्चुअली एक कराची. And you can tell about it right now or you don't want to? I'm trying to keep it a secret. Okay. Obviously it's different from Bilal. ठीक है. It's very different. Yeah. Very different. Yeah. What about you? You? नहीं अभी नहीं. Are you reading scripts अभी आप लोग सोच रहे हैं? हाँ अच्छी बात है. Same आप दोनों भी इसी script checking. I am working on something. I don't know if I can say what it is. दस्तखत लिए हुए अभी तक. हो चुका है.